सब जानू मैं, पर मनु कैसे भूल गया और लाला दीपचंद के साथ मुझे मंडी में भी जाना था। मंडल माची सब खत्म हुआ पड़ा, आटा शक्कर सब खत्म हो गया और वो दाल भी 5 किलो बच रही। नू तो सब जानू मैं, अगले हफ्ते शादी का सीजन शुरू हो जाएगा और जब दुकान में सामान ही नहीं होगा तो शादी का सीजन भी खराब हो जाएगा। क्या बताऊं के बताऊं, मुझे लड़की की लड़का भी तो देखना है। अब बताओ क्या बताऊं मैं, लड़की की लड़का भी तो मार दिया ना, कहीं भी खड़ा हो जा, कुछ ना होया। कुछ ना होया, धोती तो पटी है, तेरा पेट पट गया के? और पेट पड़े था मेरा, धोती पट गई, इसके पैसे दे। अरे कहां के पैसे, थोड़ी सी धोती पटी है तेरी। पट तो गई, 200 रुपए की धोती है, 200 रुपए दे। अरे दे रहा हूँ, छोड़ तो सही। ले 200 का नोट ले। अरे 900 के दे। अरे यह भी कोई बात है? तू कहाँ जा? अपने घर नहीं जाऊंगा मैं, सब जानू मैं। तेरी धोती के पैसे दे तो दिए, धोती उरे को दे अब मुझे, मेरी होगी आप। अरे देखो ये के 200 रुपए ने दे रखे धोती के। अरे धोती ना देऊं मैं, और तू नेकर मेरी मेरे पास खड़े। अरे तू नेकर ना, मेरी जिम्मेदारी है के 200 रुपए दे रखे, धोती दे मेरी। तू अपने 200 रुपए पकड़। ओए मैंने ले रहा 200 रुपए, धोती होगी मेरी, मैं तो अपनी को 2000 में बेचूंगा। हाँ खोल दे से। अब क्या करूँ मैं? खोल। सुन तू अपने 2000 रुपए ले और मेरा पटना छोड़। ये हुई ना बात? क्या हुई ना बात? बता कैसे कैसे लोग मिले हैं और मेरी धोती फाड़ दी और 2000 रुपए भी चले गए। राम राम जी, महेंद्र जी। राम राम जी। राम राम लाला जी। राम राम। आ गए, आओ बैठो बैठो। सरला देख लाला जी आ गए, पानी ले आइए। और बताओ? बस और तो सब ठीक ठाक जी, आपकी कृपा है, तब सुनाओ। अजी लाला जी सब प्रभु की कृपा, बहुत बढ़िया दुकान चल रही, बहुत बढ़िया कारोबार चल रहा, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। देख लाला जी आगे, अब बहुत बढ़िया तो चाय बनाइए, अब बहुत बढ़िया खाना बनाइए, अब लाला जी रिश्तेदार भी होने वाले हैं। या तो बात तुम सही कहो जी। और सुनाओ लाला जी, तुम तो तड़की आओ थे। अजी क्या बताऊं, आ तो मैं तड़की जाता और मेरे साथ रस्ते में क्या बताऊं। क्या बात होगी लाला जी? अजी एक लड़का मिल गया था और उसने मेरा जो उल्लू बनाया, तुम्हें क्या बताऊं। क्या कर दिया उसने? अजी सब जानू मैं, पर तुम पूछो मत, वो था तो एक पर वो तो 3-3 ते भी भारी था। सातिर वो था, बदमाश वो था, चलाक वो था। उसका फोटो तो मेरे दिल पे छप गया, इबके मैं उसे भूलूं, सब जानू मैं। कहीं वो मेरा नालायक ही तो नहीं था? उसका भी पांव घर में ना टिकता, भेजो कहीं, जावे कहीं, दिन भर आवारा गर्दी करता फिरे। और तुम क्या हुआ, तुम क्या सोच चल गए, कहीं थारे साथ भी कोई कांड हो गया के? अरे नहीं नहीं लाला जी, तुम एक काम कर लो, हाथ मुंह धो लो। ए सरला रोटी बन गई के? अजी रहन देते रोटी तो, रोटी तो मैं खा के ही चला था। अरे निशा जी। मैम एक काम था, सभी को क्या क्या देख लिया क्लास में और सिलेबस का बहाना बना रहे थे। बताइए ना मैम क्या काम था। आज ऑफिस का क्लर्क बीमार है और कल अर्जेंट मेल आया था इलाहाबाद से, उन्हें 10th और 12th क्लास के बच्चों की डिटेल्स भेजनी है। ठीक है मैम, मैं लंच में टाइम निकाल कर ऑफिस में लिस्ट तैयार कर दूंगी। वेरी गुड, तुमसे यही उम्मीद थी। और एक तुम हो, 4 दिन से 7th क्लास के बच्चों की कॉपी दी हुई है, वो चेक नहीं की तुमने अब तक। सॉरी मैम। व्हाट सॉरी, गो टू योर क्लास और मुझे लंच के बाद मिलना और वो कॉपियां साथ लेके आना चाहिए। जी मैम। वेशभूषा कहाँ है तुम्हारी? देखो तुम अपने अध्ययन पर ध्यान दो, अन्यथा मुझे तुम्हारे माता पिता से इसकी शिकायत करनी होगी। एक ही ये है, इनकी माँ का दुखड़ा मुझे सुनाए बिना खत्म ही नहीं होता। आप मेरी बात समझ रहे हो ना विद्यार्थी, चलो। अरे निशा जी। जी त्रिवेदी जी, आपने मुझे रोका है, कोई काम है? हाँ हाँ बोलिए ना। जी मैं ये कह रहा था, मैं अपनी माँ से बहुत परेशान हूँ, वो बार बार एक ही बात कहती है कि मैं अपनी शादी कर लूँ,
अब आप ही बताइए, मैं उसके लिए सुंदर, सुशील, गुणी बहू कहाँ से लाऊं? मैं क्या जानूं त्रिवेदी जी, आप जाने, आपकी माता जी जाने, मुझे क्लास में जाने के लिए देर हो रही है। महेश जी हैं? आपको लाइन मारनी आती है? हाँ आती है, मार्कर से मारते हैं, पेंसिल से मारते हैं। आप हिमालय चले जाइए और वहाँ तपस्या करिए, आपसे लड़की नहीं पढ़ सकती। अच्छा महेंद्र जी, चाय पी ली और खाना खा लिया और फिर का चाय पी ली, 2:30 बजे मचलो। अरे चला जाइए लाला, बहुत दूर से तो आया, अरे छोरा भी आने वाला होगा, उसे देख के जाइए। अजी तुम देख लिए, छोरा भी देख लिया और सब जानू मैं समझ गया, बड़ा कमेरा छोरा है, कई काम पे ही लग रहा होगा। अरे जैसा भी है ठीक है। अच्छा मैं चलूं तो, मुझे तो पैदल भी अच्छा, चलना पड़ेगा। अच्छा लाला। अच्छा राम राम जी। राम राम भाई, राम राम, राम, राम जी। तो सारी दुकानदारी मर गई। यू तो वो ही है छोटू ना। तू जल्दी आ जा, मेरे पिताजी का भी फोन आ रहा, फिर मुझे जाना है, 2 घंटे हो लिए मुझे। यू तो यही बैठा बदला ले हुआ, मैं बदला ले हुआ। तू तो साले रोज बहाने बनावे, मैंने देख रखा तुझे, तू तो घर ऊपर डर है और बहाने बनाऊ जा है ना। जाब जाऊं? अरे बुरसेर पड़ी मन्ने, पैसे बता, पैसे दूंगा मैं। पैसे देगा? हाँ 1500 रुपए की है। 1500 ज्यादा बता रहे हो, पर 5000 लूंगा। ले 1500 रुपए, बढ़िया काम बन गया। ठीक है जाब। है जाऊं? अब बुरसेर दे, अब बुरसेर लेके जाऊंगा मैं। अच्छा ये ले बुरसेट। हाँ लिया। अरे लूट लिया, अरे लूट लिया मैं तो, ये फटी हुई बुरसेट, अरे 1500 रुपए में दे गया, अरे भाई मैं तो लूट लिया, अरे लूट लिया भाई मैं तो। ऐसी निकम्मी औलाद का भी कोई इलाज है के? बता क्यों किरकिर करते रहे हो, जवान छोरे के जुम्मे हुए रहो हर वक्त, और भी कुछ काम धाम है तो मैं ना है, हर वक्त टर 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 करते ही रहो। अरे किरकिर ना करूं तो मुझे नू बता मैं के करूं, युलाट साहब ने तने पैदा कर रखिया, इसके हिले में भी कुछ काम है, मैं ही 24 घंटे मरता फिरूंगा के, मैं ही दुकान पे जाऊंगा, मैं ही ये मंडी देखूंगा, मैं ही ये सारे के सारे काम देखूंगा, इसकी नौकरी के लिए जुगाड़ करवाने लग रहा हूं, उसके लिए भी लोगों से संबंध बनाता मैं ही बिना लग रहा, इसके हिले भी कोई काम है के, निकम्मी औलाद पैदा करी थे नहीं यू। कल गया तो हाँ वहाँ जहाँ तुमने बताया इंटरव्यू देना, अब नौकरी न लगे तो यू भी उसके कुछ बस की बात है। अरे कल भी मैं नहीं भेजा था वीरपाल के छोरे से बात करके, इसे दिमाग में कर लो शांत, और कुछ खाना पीना हो तो और ला के दे। जा चाय बना ला जा। अरे सुनिए तू तो इंटरव्यू देने गया था। हाँ वो तो आ लिया जी मैं। अरे बुशर्ट मोटरसाइकिल रपट गई ना, वहाँ फट गई थी, वहीं गिर रही है मैं। तू बहुत रईस की औलाद है, बुशर्ट वहीं गिर रही है, और तेरे इंटरव्यू का क्या हुआ? वो तो बढ़िया हो गया जी, वो कह रहा था मैं 1-2 दिन में बता दूंगा। बुशर्ट के पीछे पड़ रहे हो, मुंह ना देख रहे, कहीं चोट फेट तो ना लगी है? तेरे इन इंटरव्यू से हम तो दुखी हाल है भाई, सारी दुनिया के छोरों की नौकरी लग रही, एक तेरी नौकरी नहीं लगती, तेरी कुंडली में कौन सा राहु केतु बैठा यू, जो तेरी तरह निकम्मा बिल्कुल भी हिलने का नाम नहीं ले रहा। तू कल से एक काम कर ले, दुकान में बैठा कर और मंडी का काम देखिए। मैं ना देख रहा मंडी संडी का काम, बात थारी पुरानी सड़ी और दुकान, मैं तेरे लिए तो अब शोरूम खोलूंगा, तू एक काम कर मंडी और दुकान का काम देख, नौकरी तुझे करनी नहीं, दुकान पे तू बैठे नहीं, बुढ़ापे में मेरी ही छाती पे मूंग दलेगा के। अरे तू भी सुन ला कर इनकी। हाँ तू भी मुझे कही कर। अरे है के महेंद्र। अरे राम राम प्रभु, राम राम, आजा भाई आजा। और ठीक ठाक है? हाँ सब ठीक ठाक है भाई। महेंद्र के बात है, क्यों गुस्सा हो रहा? अरे गुस्सा ना करूं तो के करूं, लुंडा तो जवान हो लिया, ना तो उसकी नौकरी लगती और ना वो दुकान पे बैठता। चिंता न करे, मेरे एक रिश्तेदार है मुजफ्फरनगर में, उसे मैंने बोल दिया उसकी नौकरी लग जाएगी पीटीए की, उस पे जाके बात कर लियो। कहाँ लगवा रहा भाई? मुजफ्फरनगर में।
अरे प्रभु दयाल, तेने तो आज मेरे दिल का बोझ डाल दिया। बोझ के जितेंद्र अपना बालक ना आ गया। अरे निशा, तू इतनी तेज क्यों चल रही है? हमें घर ही तो जाना है, आराम से चल। क्यों, घर पर टाइम से पहुंचना गलत है? मेरा मानना है हमें अपने सारे काम एक निश्चित समय से करने चाहिए। जो लोग समय के पाबंद होते हैं, कामयाबी भी तो उन्हीं लोगों को मिलती है। मैं अपने जीवन में भी यही बात अपनाती हूँ और क्लास में बच्चों को भी यही बताती हूँ। सही समय से पढ़ाई करने पर ना तो एग्जाम की टेंशन होती है और मेरा सिलेबस भी टाइम से पहले पूरा हो जाता है। अब बस कर, तेरे दिमाग में तो यही 24 घंटे एग्जाम क्लास यही सब रहता है। थोड़ा बाहर निकल, घुमा फिरा कर, लाइफ को एंजॉय कर। एंजॉय करना ही लाइफ का नाम नहीं होता है। हमारी लाइफ में एक उद्देश्य होना चाहिए। तू अपने लेक्चर को फुल स्टॉप दे। हे राम, तू कितना बोर करती है और दूसरों को भी बोर करती है। देख, मेरा तो घर आ गया, अगर तुझे चाय पीने के लिए चलना है तो चल। नहीं यार, आज टाइम नहीं है, मैं फिर कभी चलूंगी। अच्छा ठीक है, तू जा। अपने बालों का ध्यान रखा कर, तेल भी लगा ले कर। बाल हो गया तुम्हें और तो लूट लियो, अरे लूट लिया तुम्हें, क्या बताऊं? और सब जानू और जानना भी काम नहीं आया। लाती तो एक गिलास पानी। अभी लाती हूँ पापा। अरे के हो गया, कैसे परेशान से दिख रहे हो? अरे क्या बताऊं, आज मेरे साथ जो हो गया उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। पापा वो सब छोड़ो, पहले आप पानी पियो। सब जानू मैं और सब जानते जानते भी लुट गया। आज एक लड़का मिल गया, उस लड़के ने मेरे साथ अयोग करा और 3500 रुपए में फटी या बुरसेट मुझे दे गया। अरे मैं तो लुट गया। और सुन, जिस छोरे के चक्कर में गया था वो तो मिला नहीं, एक यू न्यारा मिल गया या भेड़िया मुझे। अरे कहाँ मर गया जितेंद्र, बाहर निकल, देर होने लग रही। अरे बाहर को आ जा, समय हो लिया। सुन, एक काम करिए, या तो चिट्ठी है प्रिंसिपल को दे दिए और यू पता है, इसे लेके जल्दी निकल जा भाई। मैं थारे कहने ते इंटरव्यू दे तो रहा हूँ, पर इतने दूर जाने की क्या जरूरत है? तेरे पे यकीन ना, यू तो प्रभु दयाल ने ठीक काम करवा दिया, प्रिंसिपल से बात कर रखी, तेरी नौकरी जाते ही लग जाएगी, तू चला जा जल्दी कर। वहाँ इतनी दूर जा रहा हूँ, कितनी दिक्कत होगी वहाँ? अरे तू घबरावे ना, मैं रह लूंगी तेरी गैल। हाँ। अरे तू रहम कर, बिल्कुल यहाँ को भी चौपाटी करेगी क्या? जैसे सब रहे तू भी वैसे ही रहेगा। अब घर को देख रहे हो या उसे देख रहे हो, कैसे रहेगा वहाँ? अरे मैं रह लूंगा, मेरा एक दोस्त हैगा मोहन, मैं उसके धोरे रह लूंगा। जी तारे। अजी सुनियो, कैसे घूर के देख रहा है मुझे, तो ये बदतमीज लग रहा है। अजी सुनियो, ये रुको 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 रुको, दूर रहकर बात करो, पास मत आना मेरे। क्यों, तेरे कोई छुआछूत की बीमारी है, कोई टीवी वीवी कुछ? शट अप, मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ, लड़की देखी नहीं? होश की दवा कर, मुझे यहाँ आए 2 मिनट हुए नहीं और मैं तुझे छेड़न भी लगा और मुझे पता ही नहीं चल रहा। मुझे तुम जैसे आवारा सड़क छाप लड़कों के मुंह नहीं लगना। अच्छा, या जुबान बहुत चल रही है तेरी, इसे कंट्रोल कर। मैं तो तमीज से बात कर रहा हूँ, या मुझे सड़क छाप पता ना केक के बता रही है? दिमाग ठीक है तेरा? बदतमीज, बदतमीज होगी तू। बताओ भाई, मैं अपने आराम से रास्ता बूझ रहा हूँ और यह पता ना केक के बक्के चली गई। आई चल के किंगे को जाऊं, समझ में भी तो ना आ रहा। चल पीछे ही ठीक है।
अरे निशा जी प्रणाम। गुड मॉर्निंग। अरे निशा जी सुनिए, मुझे आपको देखकर ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे कि आपके चेहरे का तापमान अत्यधिक है? अरे भैया सुनिए। तुम? हाँ मैं। तुम मेरा पीछा पीछा करते यहाँ तक आ गए? देखिए अपनी शीशा देख के आकर मेरा पीछा करते करते आ गए। सेट अप। अरे निशा जी आप हमें भी बताएंगे क्या हुआ? देखिए ना सर। सर ना कहो। हाँ हाँ महेश चंद्र जी, देखिए ना ये आज रास्ते में मुझे छेड़ रहा था और इसकी हिम्मत तो देखिए मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आ गया। ओ बदमाश महोदय, आपका इतना साहस, आप अपनी आपराधिक गतिविधियाँ करने के लिए सीधे विद्यालय के प्रांगण तक चले आए? आप जाइए यहाँ से, इस अपराधी से तो हम सम्मिलित रूप से निपट लेंगे। ओए दूरदर्शन के समाचार, पकड़ा धकड़ी बाद में करिए, मुझे प्रिंसिपल साहब का ऑफिस बताओ कहाँ है। अच्छा प्रधानाचार्य जी से मिलने आए हैं आप? जी। तो आप प्रधानाचार्य के कार्यालय का मार्ग पूछो ना। तो पूछ तो रहा हूँ इतनी देर से, तू बता तो ना रहा। आप सीधे जाइए और दाएं से बाएं मुड़ जाइए। लीजिए मैम, मैंने दोनों लिस्ट कॉपी कर दी है, आप देख लीजिए। वेरी गुड निशा, मुझे तुमसे ये उम्मीद थी, इस काम को तुम ही कर सकती थी, थैंक यू। इसमें मैम थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। हाँ जी कहिए, बताइए क्या काम है। अच्छा तो आप जितेंद्र हो? जी। कल फोन आया था, आपके बारे में मुझसे बात हुई थी। जी। तो डॉक्यूमेंट्स तो लाए होंगे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है, तो आप ऑफिस में चले जाइए, वहाँ ज्वाइनिंग की जितनी भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर लीजिए। जी ऑफिस कहाँ है जी? यहाँ से बाहर चले जाओ, किसी से पूछ लो बता देंगे। अजी यू ही काम यहाँ बहुत खतरनाक है, किसी से कुछ पूछ लो तो बताते नहीं। अभी मैंने स्कूल का रास्ता पूछ लिया तो मुझे गुंडा बदमाश पता नहीं के बताने लगे। निशा ये हमारे नए पीटीआई सर हैं जितेंद्र सिंह, और जितेंद्र जी ये हमारी इंग्लिश की टीचर है निशा, बहुत ही ज्यादा मेहनती ईमानदार और टाइम की तो बहुत ही पंचुअल है। और निशा तुम्हें ऑफिस तक पहुंचाना। अजी इन्हें रहने दो। नहीं नहीं छोड़ आएंगी मैम वो फाइल। हाँ इसे मैं देख लूंगी, तुम्हारे पीरियड का भी टाइम हो रहा तो तुम इन्हें छोड़ दो। चलिए ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, पहले दिन से निशा जी के साथ, अब मैं तेरी बहू की व्यवस्था कहाँ से करूँगा। माँ क्या हुआ त्रिवेदी जी, आपकी माँ कोई प्रॉब्लम है क्या? दरअसल मेरी माँ को लूज मोशन हुआ है, जो भी खाती है पानी पानी निकल जाता है। जी। अरे मोहन, मोहन। राम राम जी। राम राम जी। मोहन है? हाँ जी अंदर ही है। जितेंद्र? अरे मेरे यार, मेरे भाई, बड़े दिनों बाद आया हूँ, मजा आ गया। अरे यार मेरी नौकरी लग गई। बैठ अंदर को बैठ। अब बैठ यार, क्या बता रहा था नौकरी का तू? अरे मेरी नौकरी लग गई है इंटर कॉलेज में। स्कूल बहुत बढ़िया भाई साहब, नामी स्कूल है वो। हाँ मैं देख के आया हूँ,
बहुत बढ़िया बड़ा स्कूल है। कोई दिक्कत ना, बढ़िया जगह है। अरे दिक्कत कोई नहीं, पर एक दिक्कत है, तू मुझे कोई कमरा दुआ दे यहाँ रहने की। अगर अपना ना आ गया यहीं रहे, कौन सी दिक्कत है यार, यू एक ही तो कमरा है। अरे यार अपने ही समझता, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं इतने नहीं मिलता तो कोई बात ना, पर तू देख ले। यार देख कर ले, गाँव में कमरा कोई देना नहीं चाहता, फिर भी मैं तेरे लिए चल देखता हूँ कोई कमरा मिल जाए, देखता हूँ कमरा। देख ले यार, बाकी तो ठीक हो गया। सुन पानी ना लाए। ला रही हूँ। चाय बना ला, चल पानी ले आने दे यार, वो बाद में पानी ले आने दे। चाय लो। अरे मेरे द्वारा कितने चुटकलों की खान है एकदम, आप मेरे द्वारा बैठोगे हंसते हंसते पागल कर दूंगा मैं। आप चिंता मत करो, एक और सुनाता हूँ। एक बार संता ने बंता को अपने घर बुलाया, तो बंता वहाँ पहुँच गया, तो वहाँ पे संता था ही नहीं, और वहाँ चिट चिपकी हुई थी कि मैं यहाँ हुई नहीं, देखा कैसा उल्लू बनाया। तो पता है उसने क्या करा? क्या किया? उसने नीचे लिख दिया मैं यहाँ आया ही नहीं। आपको पता नहीं मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ? नहीं हमें तो नहीं पता, आप बता दो। कोई समस्या, कोई व्याथा निशा जी? देखिए ना महेश जी, इनके हंसने से क्लास में बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। निशा जी बिल्कुल सही कह रही हैं, अवश्य ही आप इस बात पर विचार करें, अन्यथा आपका जीवन अंधकार में हो जाएगा। ओ अंधकार, हम इन्हें डिस्टर्ब ना कर रहे, हम तो यहाँ हंस रहे थे। आपके हंसने से ज्यादा जरूरी बच्चों की पढ़ाई है। अति उत्तम, अति उत्तम। ओ अति उत्तम, हाँ पढ़ाई जरूरी है, लेकिन स्वस्थ उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये भी उत्तम, अति उत्तम। तो अपना स्वास्थ्य आप कहीं और जाकर बनाए, यहाँ बच्चों को डिस्टर्ब ना करें। हाँ तो बना लेंगे, हमारे बस की नहीं, खून फूक के पढ़ाना तो है नहीं। अति उत्तम, अति उत्तम। सर आपको प्रिंसिपल मैडम बुला रही हैं। अच्छा चलो। मैं आई कमीन मैडम। अरे जितेंद्र जी आओ। और बताओ कैसा लग रहा है स्कूल में? जी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जितेंद्र जी, मैंने आपको इसलिए बुलाया था, ये हमारे स्कूल में स्पोर्ट द्वारा जीती गई सिल्डर कप है। जी जी। लेकिन पिछले एक दो सालों से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही खेलों में बच्चों जी, की जी। तो मैं चाहती हूँ आप इसके लिए कोई प्लान तैयार करो जिससे कि बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी रहे। जी मैडम, मैं आज से इस काम में लग जाता हूँ, लेकिन मुझे है ना स्पोर्ट्स के बच्चों की सेक्शन वाइज लिस्ट चाहिए। अरे हाँ, निशा ने स्पोर्ट मेट के बच्चों की लिस्ट तैयार की थी, अब तो आप उनसे ले लो। हाँ जी जी जी। बच्चों कल टेस्ट है, ग्रामर के पहले चार चैप्टर, दो अनसीन पैसेज और एक ऐसे भी आएगा। हाँ जी मैडम। कहिए। मुझे आपकी लिस्ट चाहिए। क्वाइट, व्हाट डू यू मीन? आई मीन कोई स्पोर्ट्स के बच्चों की आपने लिस्ट विस्ट बनाई होगी, मैडम ने मुझे बताया, प्रिंसिपल मैडम ने, वो मुझे दे दो। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद दे दूंगी। अरे क्या बात कर रही हो आप, बच्चों का एक एक मिनट कीमती है और मैं इस बात का बहुत ख्याल रखता हूँ। चलिए। अरे त्रिवेदी जी सुनिए, आपको कोई तकलीफ ना हो तो आप मेरा एक काम करेंगे? वो सब मैं बाद में सुनूंगी, पहले आप इनको मेरे लॉकर से स्पोर्ट्स के बच्चों की लिस्ट निकाल कर दे दीजिए। चलिए बंधुवर। तुम सब क्या देख रहे हो, चलो अंदर। देख बच्चे अंदर यार, गाँव में कोई कमरा देता ना किराए पे। यार मेरा पड़ोसी बता रहा था लाला जी है यहाँ, लाला जी किराए पे कमरा दे, उनकी भी दुकान कहीं यहीं कहीं है, चल देख ले। चल आ। लाला जी आती करो के पैसे काट लो। ले भाई पैसे दे। ये ले 20 रुपए। ये तो 20 रुपए हैं। 40 रुपए के हिसाब से आधी किलो 20 रुपए की है, 10 रुपए और दो। अरे अरे तू 10 रुपए का यो मंडल ले जा, पीड़ी पी लिए। मैं ना पीता। अरे तू ना पीता, तेरा बाप पीता होगा, तेरा दादा पीता होगा, कोई तो पीता होगा, ले। मेरे ना पीता कोई भी। अरे ले जा गड़ मोहल्ले में पिया दिए किसी को। भाई आजकल के लड़के भी अपने बारे में सोचे, किसी और के बारे में नहीं सोचते। अरे ले दे दिए, पीड़ी मंडल माचिस, अरे इन पे तो सबका अधिकार हो। दे दिए और कुछ पिया दिए, सब जानू मैं। ले जा। अजीब आदमी है भाई। कोई कमरा बमरा खाली है क्या? कमरा चाहिए किराए में, इन्हें किराया डाल लाया हूँ। अरे तू, अरे और तू फेर लिया। अरे भोला रस्सी ले, ये ठाके इसे बांध ले, भाग ले। क्यों? अरे उसको फोन कर दे, जा ला 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 बांध ले, ये भाग गए। अरे लाला जी चले गए, पुलिस बुला, मिलिट्री बुला, ये बुला, वो बुला, लग रहा भूख तेरा दिमाग में चढ़ गया।
चमची खाने पहले। अबे यार इस लाला को क्या हो गया था, पागल था हो गया था हमें देख के। हमें देख के ना, मुझे देख के। मुझे देख के? हाँ, अरे मुझे क्या पता था यहाँ मिल जाएगा। भैया आप कमरा मिलेगा ना, इस लाला का कमरा खाली था, आप बता कहाँ कमरा देखो। तू चिंता मत कर, अब कमरा मुझे इस लाला पता ही लेना है। यार अभी तो मैथ का पीरियड खत्म हुआ है, अब निशा मैम का पीरियड आ गया बोर करने के लिए। निशा मैम के चेहरे को तो देख के ऐसा लगे जैसे 2-3 साल से हंसी ना हो। 2-3 साल से तो क्या लगता है, जन्म में कभी हंसी ना होगी। Adjective is a word by which noun is described by given information about object, shape, size and age etc. हाँ जी मैडम। जी कहिए। आपके कितने बच्चे हैं? मतलब? मतलब आपके कितने बच्चे हैं? What do you mean? अरे मैं पूछ रहा हूँ आपके बच्चे कितने हैं? आपको पता होना चाहिए, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। आपकी शादी हुई है नहीं हुई है इससे मुझे क्या मतलब है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी क्लास में स्पोर्ट्स के कितने बच्चे हैं और बिना स्पोर्ट्स के कितने बच्चे हैं? मेरी क्लास में कोई स्पोर्ट्स के बच्चे नहीं है। मैं बच्चों से ही पूछ लेता हूँ। हाँ भाई एक एक करके बताओ सब स्पोर्ट्स के कितने बच्चे हैं। मैंने कहा ना मेरी क्लास में कोई स्पोर्ट्स के बच्चे नहीं है। हाँ एक एक करके अपना नाम बताओ। मैंने आपसे कहा ना अभी मेरा पीरियड चल रहा है। आपका पीरियड रुका हो चल रहा हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और करूँगा। हाँ बच्चों जो जो स्पोर्ट्स के एक एक करके हाथ उठाओ, फौरन लिस्ट तैयार करेंगे कुछ भी हो। क्या है ये तो बड़ी बुरी लगती होगी तुम्हें। इसका बस चले तो खेलन ही ना देवे किसी को। लेकिन अब मैं आ गया हूँ ऐसा नहीं चलेगा। स्पोर्ट्स की सभी टीम बनेगी और सभी बच्चे खेलेंगे, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब टीमों में फिट कर दूंगा और स्कूल स्पोर्ट्स में भी आगे जाएगा, ये ध्यान रखना आप लोग। क्यों? Yes, sir! सर आपको प्रिंसिपल मैडम बुला रही हैं। पहुंच गई वो? जी। चलो मैं आऊंगा और स्पोर्ट्स की टीम बनेगी। मैं आई किमिन मैडम। जी मैडम बुलाया आपने मुझे। हाँ जी निशा मैडम को आपसे शिकायत है कि आप इनके पीरियड में जाके पुलिस को। मैं तो जी अपना काम कर रहा हूँ। मैम इनसे पूछिए जब मेरा पीरियड स्टार्ट होता है इनका क्लास में आना जरूरी है। लेकिन आप ही बताओ अगर इनका पढ़ाना जरूरी तो मेरा काम भी तो जरूरी है। ऐसे तो हर टीचर अपने अपने पीरियड का रीजन देगा तो मैं काम कैसे करूँगा। चलिए कोई बात नहीं, आप याद रखिएगा जब निशा जी का पीरियड खत्म हो जाए तब आप क्लास में जाएंगे और जब ये फ्री हो जाए तब अपना काम कीजिएगा। आप अपना टाइम टेबल और मीटिंग बता देना। आओ जी, आओ भाई साहब, आ जाओ जी, आओ, आ जाओ। देखो जी, यो घर है मेरा। और एक कमरा खाली है ऊपर, वो किराए पे देना है। अब बोला, तू यहाँ क्या कर रहा? अब अगर समझाऊं मैं, चल तू यहाँ पड़ा रहे। दुकान पे चल, मैं भाई साहब को कमरा दिखा दूँ। भाई साहब यह मेरी सिठानी है। अब राम जी। और ऊपर कमरा है जो हम किराए पे दे। वैसे मैं पूछ सकूं आप क्या काम करो? मास्टर। मास्टर जी, और मैं तो देख के समझ गया था आप मास्टर होंगे। मास्टर जी तो बहुत अच्छे आदमी हो। मास्टर नहीं हूँ मैं, नहरवाई में काम। अच्छा अच्छा अच्छा, नहरवाई में पेट्रोल हो गए। सही पकड़ गए, सही पकड़ गए। वाजी 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 वाजी। पर यहाँ आपका कोई रिश्तेदार रिश्तेदार नहीं है? रिश्तेदार तो बहुत है जी, पर मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता, खुद कमरा किराए पे लेकर रहना चाहता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ। बड़े खुददार किस्म के आदमी हो। और खुददार आदमी तो मुझे बहुत पसंद है। मैं तो देख तू समझ जाऊँ कैसा चरित्रवान आदमी है। एक तो आप है, एक वो छोरा। आप कुछ ज्यादा ही नाराज लग रहे हैं, कहीं धोती होती फटने का मामला तो नहीं है? अमका धोती की बात का और तुम्हें कैसे पता चला? बात 200 से शुरू होके 2000 तक पहुंची होगी। और मुझे तो ऐसा लगे और कुछ तेरे साथ भी गड़बड़ करी क्या उसने? अक्सर जानू मैं। खैर छोटे जमीन बात तो
आप ये बताओ परिवार कैसा है, बाल बच्चे कितने हैं? अरे शादी नहीं करी अभी तो। शादी नहीं करी? शादी क्यों नहीं करी तुमने? अजी देश के बड़े बड़े लोगों ने शादी नहीं करी, अड़हल जी ने शादी नहीं की, रतन टाटा साहब ने शादी नहीं की, ट्रम्प साहब ने शादी नहीं की, सलमान खान ने शादी नहीं की, तो मैंने सोचा मैं भी नहीं करता हूँ। लेकिन एक बात है, नमस्ते अंकल जी, कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो जरूर करूँगा। इस उम्र में अच्छी लड़की सब जानू मैं। क्या जानो? आयु जानू? हम तुम्हें कमरा दिखा देंगे और सारी समझ में आओगे ले लियो। और क्या इतनी देर में तो कोई मंडल माचिस ले जाओ। लाली तू इन्हें कमरा दिखा दे ऊपर ले जाके, और घर का ध्यान रखिए। अब चला देखो जी। आइए अंकल जी आइए, मैं कमरा दिखाती हूँ। आइए अंकल जी आइए। अरे बेटा थोड़ा सारा तो लगा दो। क्या हुआ? बुढ़ापे का पैर है, थोड़ा जीना ऊंचा है। लाइए मैं आपका हाथ पकड़ लेती हूँ। क्या? आइए। ऐसे वैसे मत समझना, थोड़ा बुढ़ापे के कारण ऐसा हो रहा है, वरना ऐसे जीने तो मैं ऐसे ही लंग जाया करता था। क्या बात है। ये है अंकल जी आपका कमरा। अरे वाह, बहुत प्यारा कमरा है, बहुत प्यारा। यहाँ आपको किसी भी बात की दिक्कत नहीं होगी? एक दिक्कत होगी लेकिन। किस बात की? सुबह गरम गरम चाय चाहिए मुझे। अरे उसकी चिंता मत कीजिए, आपको चाय देने की जिम्मेदारी मेरी। अरे वाह, ये चाय पिलाएगी, तेरी तो जिंदगी बदल गई। जिंदगी बन गई भाई, जिंदगी बन गई। क्या अंकल, जिंदगी बन गई? मेरा मतलब है, अरे तुम चाय पिलाओगी तो जिंदगी बन गई। ओहो जालिम, तेरे जवानी कयामत तेरा सवाब। जालिम गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग चाय ले आए। आपके लिए चाय। तुमने बनाई होगी? जी अंकल। मुझे मालूम था तुम्हें बनाओगी, और कौन बनाएगा मेरे लिए। बड़ी अच्छी चाय, गजब की चाय है भाई, बड़ा सौभाग्यशाली घर है जिसमें तरह जैसी लड़की है। थैंक यू अंकल, आप भी बहुत अच्छे हो। यू तो मुझे चलने को क्या लग रहा है? जवाब नहीं। अच्छा अंकल मैं चलती हूँ, मुझे स्कूल के लिए तैयार भी होना है। चलो हम भी स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या आप स्कूल जाओगे? आई तुझे स्कूल छोड़ते हुए चले जाएंगे? अरे नहीं अंकल, आप परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी। इसमें परेशानी की क्या बात है, तेरा स्कूल भी तो मेरे दफ्तर के रास्ते पे ही है। ठीक है मैं तैयार हो जाती हूँ। तेरे हुस्न की ओहो, तेरी चाय की क्या तारीफ करूं मैं। आय हाय, ओहो बच्चों आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे। देखो बच्चों, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शरीर पर बीमारियों का अटैक नहीं होना चाहिए। कब नहीं होगा? जब हम खेलेंगे कूदेंगे और रोज एक्सरसाइज करेंगे। ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। देखो साइकिल कोई भी हो, साइकिल से अच्छी एक्सरसाइज नहीं हो सकती, क्योंकि साइकिल से पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती है। Yes, sir! बच्चों डायरेक्ट स्पीच में स्टेटमेंट हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही होता है। खेलने कूदने वाले के अंदर शक्ति होती है, कहाँ होती है? उधर क्या सुन रहे हो? इधर पढ़ाई पर ध्यान दो।
जी मैम। मैं तो कहता हूँ पढ़ाई से पहले शरीर स्वस्थ होना चाहिए, इसलिए पढ़ाई बाद की चीज है, स्वस्थ पहली। इनडायरेक्ट स्पीच में बात को हमेशा घुमा फिरा कर कहा जाता है। एक्सरसाइज में शरीर को घुमाना होता है, बिना घुमाए कोई एक्सरसाइज नहीं हो सकती, याद रखना। यस सर। शरीर स्वस्थ होगा जब ही तो पढ़ेंगे। यस सर। हाँ। देखो मैं तो कहता हूँ जैसा होगा तन वैसा होगा मन। ओह अरे आइए आइए, आप शारीरिक शिक्षा का वरदान सुनकर मेरे ख्याल से यहाँ आइए, और आए क्यों ना, ये तो सबको आना चाहिए। और मेरा पढ़ाने का देखो अंदाज ऐसा है, लोग खींचे चले आते। ऐसी कोई बात नहीं है, आप थोड़ा साइलेंट पढ़ाइए। देखो साइलेंट आप पढ़ा लो, मैं स्वस्थ पढ़ा। मेरा मतलब है शांति के साथ पढ़ाइए। शांति के साथ? मेरे ख्याल से शांति जी का पीरियड तो उधर चल रहा है, लेकिन आप उन्हें बुला दीजिए, मैं उनके साथ भी पढ़ा लूँ। अरे मेरा मतलब है थोड़ा धीरे पढ़ाइए, जोर से मत पढ़ाइए। देखो मैडम आप ऐसा नहीं कह सकती, सब अपने काम में जोर लगाते हैं, मैं भी लगा रहा हूँ, और मेरी आवाज भी थोड़ा ऐसी है। नॉनसेंस। जी शुक्रिया। सुनिए, अरे मैं तो आपके साथ भी पढ़ा लूंगा, वैसे मैं खुद भी पढ़ा सकता हूँ। ओके आगे पढ़ाते हैं। सुनो जी खाना बन गया, खाना खा लो। बन गया खाना? जितेंद्र आता होगा जब ही खाऊंगा मैं। ठीक है ठीक है। आ गया भाई। हाँ तू यार एक काम कर दे। क्या काम? तू इसका कैरियल तार। क्यों तार दूं कैरियल? अरे तार दे, कुछ बात है। ठीक है तार दिए। ठीक वो भी यार क्या क्या ड्रामे करता रहे। अच्छा अरे खोल दिया। अरे यू बहुत बढ़िया करा तन्ने। क्या ड्रामा है खाली हो समझ में ना आ रहा। अरे निशा क्या बात है, परेशान से लग रही है। नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है। हैं? अरे कोई बात नहीं और परेशान है, बात तो जरूर है, हम सब समझते हैं। हाँ हाँ। बात नहीं है, हमें सब पता है, कोई बात नहीं है। अरे अंकल आपकी साइकिल के कैरियर का क्या हुआ? अरे वो कैरियर ऑफिस में टूट गया, किसी ने साइकिल गिरा दी और ये टूट गया, अब वेल्डिंग के लिए डाला है। अच्छा चलिए आज मैं पैदल ही चली जाऊँ। पैदल क्यों चली जाओगी, मेरी साइकिल है ना, इस पे जाओगी? अरे रहने दीजिए अंकल, आप परेशान मत होइए, मैं चली जाऊँ। इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं लेकर चलूंगा, तुम बैठ के तो देखो, हेलीकॉप्टर भी फेल हो जाएगा जब ये उड़ेगी तो। चलिए ठीक है अंकल। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है क्लास में प्रॉपर ध्यान दो, तुमसे तो बस क्रिकेट कबड्डी ये सब बातें करवा लो, तुम्हें लगता है स्कूल में तो बस यही सब होता है। देखो पढ़ाई से पहले एक हेल्दी बॉडी जरूरी है, क्यों? मैंने तुम्हारे दूसरे सब्जेक्ट के टीचर से भी बात की, वो भी तुम दोनों की शिकायत कर रहे थे। अरे करना क्या है, रोज सुबह उठो, कम से कम 5 किलोमीटर दौड़ो, वॉक करो, कुछ तो करो, पीटी करो, हैं? खेलो। लेकिन देखो पढ़ाई ही जिंदगी का आधार है। हमारा स्वस्थ शरीर ही जिंदगी का आधार है, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रह सकता है, वरना सब बीमार है। पढ़ाई करो, पढ़ाई करने से मन और दिमाग दोनों का ही विकास होता है, और स्वस्थ रहने से खुद का और देश का दोनों का ही विकास होता है। हाँ बोलो क्या बता रहे हो? खुद का रोगों से निदान होता है ना सर? बिल्कुल। पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा, सीवी रमन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रविंद्रनाथ, ये सब हमारे देश की पहचान हैं। कपिल देव, पीवी संधु, साइना नेहवाल, धोनी, विराट कोहली, मैरी कॉम, ये भी तो हमारे देश की पहचान है। चलो अपनी क्लास में। इंग्लिश स्वस्थ ही जरूर।
अरे क्या बात है, आज मेरी बेटी बड़ी परेशान सी दिख रही है। कुछ नहीं मम्मी। चल तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है। ओए होए। अंकल नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आइए बैठिए। क्या बात है उदास हो? कुछ नहीं अंकल, कोई स्कूल की बात है। अच्छा तो स्कूल की बात हमें बता दो। अरे हमारे स्कूल में एक पीटीआई मास्टर आया है। अच्छा। वो इतना बदतमीज है, उसे बिल्कुल भी मैनर नहीं। अच्छा तो हमें बताओ उसके अंदर मैनर घुसेड़ देते हैं तो मैं बूढ़ा लग रहा हूँ। बूढ़ा नहीं हूँ। क्या मेरा मतलब है, मैंने पहलवानी छोड़ दी है लेकिन बटक मारनी नहीं छोड़ी, मार देता हूँ। अरे अंकल छोड़िए ना, मैं आपके लिए बढ़िया सी चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है बढ़िया सी चाय ले आओ, अभी पी लेंगे। चित्रकूट के घाट पर संतन की भीड़ और तुलसीदास जी चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, इसका मतलब पता है? अभी हम बताते हैं कि चित्रकूट के घाट पर संतों की भीड़ लगी हुई है और तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं और श्री राम जी को तिलक कर रहे हैं। समझे? यस सर। बेल लग चुकी है, आप बाहर जाइए। जाऊं? नो सर। कीप क्वाइट। ये मेरा पीरियड है, मेरे पीरियड के बाद जो चाहे वो करिएगा। आपके पीरियड ने मुझे मार रखा, जब भी कुछ करने का मन होता आपका पीरियड बीच में आ जाता है। क्या बोल रहे हो? जो बोल रहा हूँ वो सच है। बोर होने के लिए तैयार हो जाओ, चलता हूँ। और निशा तेरे कोर्स का क्या हुआ? हाँ हाँ लगभग पूरा ही हो गया है, प्रीपोजिशन और कंजक्शन दो चैप्टर बचे हैं, मंडे से रिवीजन स्टार्ट करवा दूंगी। और तू बता तेरे सिलेबस का क्या हाल है? एज यूजुअल मेरे तो 7-8 चैप्टर बचे हैं, प्रिंसिपल मैम ने पीटी वाले जितेंद्र सर को मेरी हेल्प के लिए लगाया है। देखा था क्या पढ़ा रहा था वो? तुझे पता नहीं बहुत अच्छे और हेल्पफुल है वो। मुझे तो वो 10वीं पास भी नहीं लगता। सच में जितेंद्र सर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने खुद ही प्रिंसिपल के सामने मेरी हेल्प का सजेशन रखा था। जितेंद्र सर का तो जवाब नहीं, उन जैसा सुंदर नौजवान पूरे स्कूल में नहीं है, उनका जैसा तन वैसा मन। अरे तू छोड़ ना, मैं तुझे अपने अंकल के बारे में बताती हूँ, वो सबकी इतनी हेल्प करते हैं ना, तेरे पीटीआई मास्टर तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। अरे आप घर जा रहे हो? अरे स्कूल की छुट्टी के बाद सभी घर पे जाते हैं, इनका पता नहीं ये कहाँ जा रहे हैं। अरे चुप। हाँ जी घर जा रहे हैं, आपका घर इसी रास्ते पर है? हाँ पर मुझे लगता है ये मेरे आने से खुश नहीं है। ये रास्ता सबका है, इस पर कोई भी चले मुझे उससे क्या, चलिए ना हमारे साथ। हाँ पर मुझे लगता है निशा जी मुझसे नाराज है। नाराज क्यों, क्या हुआ? देखिए ना मैं आज हिंदी पढ़ा रहा था और हम तो तुलसीदास जी के रस में डूबे हुए थे, तभी ये आ गई अपना कर्ता क्रियाक्रम और ट्रांसलेशन नॉर्म पढ़ाने। उसे इंग्लिश ग्रामर कहते हैं, दूसरे सब्जेक्ट की इज्जत करनी आनी चाहिए आपको। अच्छा लड़ो मत झगड़ो मत, चलो चलते हैं। चलो। अच्छा मेरे तो घर का रास्ता आ गया, मैं चलती हूँ। जितेंद्र जी चलिए, मेरा घर पास में ही है, चाय पी के जाइएगा। निशा तू भी चल। नहीं यार अभी मुझे घर जाना है, चल बाय। हाँ चलो फिर बाद में पी लेंगे चाय। अच्छा ठीक है। शांति जी का भी जवाब नहीं, कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी है। किसी पत्थर की मूरत से। महेंद्र कपूर का गाना है जी, बहुत पुराना गाना है, सुना होगा आपने तो। या तो आप चले जाइए या मुझे जाने दीजिए। अब हाँ आप चले जाओ। अरे निशा। जी अंकल जी। अरे अंदर से बोलेगी या बाहर भी आएगी? मैं इधर हूँ अंकल। ये बात है, आज तेरे साथ बड़ा सुंदर नौजवान चल रहा था, कौन था? उसे आप सुंदर और नौजवान कह रहे हो, वो बंदर जैसी शक्ल का? अरे दूर से देखने में तो फिल्म का हीरो लग रहा था वो। आपके उस फिल्म के हीरो ने आज मेरे साथ हदी कर दी। अरे फिल्म के हीरो हदी करते हैं क्या, हद कर दी बता। आज रास्ते में छेड़ रहा था वो मुझे। मैं उसे रणवीर कपूर समझ रहा था, वो शक्ति कपूर निकला। अंकल शकल पे मत जाया करो। हाँ ये बात भी सही है, शकल बड़े धोखे दे रही है आजकल।
हाँ चलता हूँ, आजकल सकल बड़े धोखे दे रही है भाई। औड़े जब जब जुल्फे मेरी, औड़े जब जब जुल्फे मेरी, कवारियों का दिल मचले, आहा कवारियों का दिल मचले। अंकल लीजिए आपकी शाम की चाय। चाय आ गई भाई, चाय आ गई। और बता तेरे उस स्कूल वाले टीचर का क्या हाल है? बस अंकल उसी के बारे में मत पूछना, जब देखो स्कूल के सारे स्टाफ को छोड़कर मेरे से टकरा जाता है, और भगवान ने भी उसे मेरी कुंडली में बनाकर भेजा है। ओह क्या बताओ, कुंडली की वजह से आया हो? क्या मतलब अंकल? अरे मैंने फिल्मों में देखा है, पहले लड़का लड़की झगड़ते हैं फिर प्यार हो जाता है। मैं तो अंकल उसे एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आप कह रहे हो प्यार, वो भी उससे? अरे ये नफरत ही तो प्यार में बदलती है, ये नफरत ही तो प्यार में बदलती है। अंकल ऐसा फिल्मों में होता होगा, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। अंकल आप भी ना। मेरी जिंदगी कौन सा फिल्म से कम है, डबल रोल चल रहा है, डबल रोल। बड़ी गर्म है भाई, बड़ी गर्म है। जितेंद्र सर क्या हुआ आपके पैर में, लंगड़ा क्यों रहे हो? मैं अब क्या बताऊं, मैं बाथरूम में फिसल गया था। ओह। चल मुझे देख के आज मुस्कुराहट तो आई तेरे चेहरे पे। इंग्लिश के सेंटेंस में प्रीपोजिशन का एक इम्पोर्टेंट रूल होता है, इन अ सेंटेंस। बोलिए। आपकी क्लास में जो कबड्डी के बच्चे उन्हें भेज दो। अभी मेरी क्लास चल रही है, बाद में आना। गेम्स के सभी बच्चे मैदान में आ चुके हैं, मैं आपकी क्लास के बच्चों के लिए टाइम नहीं बदल पाऊंगा। अरे बड़ा दर्द है। अभी आपको चोट लगी है, आप आराम कीजिए। थैंक यू, पर आप बच्चे भेज दो। मेरी क्लास को बीच में छोड़कर बच्चे बाहर नहीं जा सकते, आप प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए। देखिए ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, प्रिंसिपल मैडम की है, अगर आप बच्चे नहीं भेजती है तो मैं उन्हें बोल देता हूँ। अरे रुकिए, जो भी कबड्डी के प्लेयर्स हैं वो बाहर चले जाएं। सर हमने सुना है कबड्डी का टूर्नामेंट तो जनवरी में है ना, फिर ऐसे इतनी जल्दी कैसे बुला लिया? टूर्नामेंट तो जनवरी में है और जनवरी में ही रहेगा। क्या बात है, पहली बार कोई निसमय पर भारी पड़ा है। अरे भोला, अरे कहां मर गया तू, जाने पे आवे की आज ला रहा हूं लाला जी। पापा नमस्ते। हां नमस्ते बेटा, नमस्ते। लो लाला जी एकदम गरम गरम चाय, मलाई मार के लो जी। अरे दो कप चाय तने क्यों बना दी, हर साथ चाय पियोगा लाला जी? एक थारी लियो एक मारी लिया। अरे नु तो मारा नाश नहीं हो जाएगा, तू दो दो कप चाय बनावेगा तो। लाला जी हमारे आठों भाइयों में कहानी बहुत बुरी है, हम चाय बहुत पिए हैं। भाई भी है तेरा? हाँ। तो उसके लिए अभी चाय बनावेगा तू? कितने भाई हो तुम? आठ भाई हैं लाला जी। आठ? अनु बता, तेरे पिताजी को कुछ और काम नहीं था? हाँ? लाला जी और बात कहाँ को करो तुम, लाओ मैं थारे हाथ पा दबा दू, तुम तो नाराज से होगे, लाओ। अरे तड़ेकू तड़ेकू। राम राम। नमस्ते। राम राम जी। राम राम। अंकल नमस्ते। नमस्ते। अरे बड़ी खुश है आज, कुछ खास बात है क्या? वो मास्टर है ना? बीड़ी मास्टर। हाँ हाँ वही। क्यों है उसके? आज तो उसका खुद ही इलाज हो गया। अच्छा? कह रहा था बाथरूम में फिसल कर गिर गया। अच्छा, बाएं पैर से लंगड़ा रहा होगा। आपको कैसे पता? अरे मैंने तो ठीक किया है। कैसे? जब तुमने मुझे उसकी शिकायत की मुझे गुस्सा आ गया और मैं उसके स्कूल के रास्ते पर चला गया, वो मुझे मिल गया, मैंने पूछा तो इंटर कॉलेज में पढ़ाता है। फिर क्या, मेरे से अकड़ के बोल गया, अब तुझसे मतलब बुड्ढे? आपसे ऐसा बोला उसने? हाँ। फिर तुम मत पूछ, मैंने जो कुश्ती वाले दाव पे छजमाए हैं
बायां पैर तोड़ दिया। हाँ। अच्छा, तभी तो आज घबराए घबराए ऐसा लग रहा था। हाँ। अच्छा कि अंकल जी आपने ऐसा किया। तू चिंता मत कर, अब तुझे कुछ कहे तो मुझे बताना, मैं उसका बायां पैर भी तोड़ जी, दूंगा। अंकल जी बिल्कुल। घर आया मेरा परदेसी, हो घर आया मेरा परदेसी। लाला जी। हाँ। तो मैं एक बात बताऊं? बता। यू बुड्ढा ना, यू सही नहीं लग रहा है मुझे। इसकी कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना है। यू मुझे ठरकी लगे, ठरकी। और इससे बच कर रहिए, और जो कोई ऊंच नीच होगी ना तो फिर गाता फिरिए, घर आया मेरा परदेसी। अबे चुप कर, यू हमें दुनियादारी सिखान चला, सब जानू मैं। और तड़की उठ के दुकान पर चला जाइए, झाड़ पूछ का चकाचक बना दिए दुकान को, जो सा तेरा काम है उसे कर, सब जानू मैं। अंकल जी, मैं चाय लाई हूँ आपके लिए। चाय? चाय रख दो, मैं पी लूंगा। अरे फिर ठंडी हो जाएगी, आप पी लीजिए। मैं सुबह का शानदार सपना देख रहा हूँ, देख कर ही उठूंगा। सुबह का शानदार सपना, अजीब है। ठीक है, ये रखी, पी लेना। सुबह की गर्मा गर्म चाय अंकल के लिए। अरे ये पीटीआई नहीं, एक चिपकू मास्टर है, चिपकू। मैं तो इससे परेशान हो गई हूँ, देख ले पीछे पीछे आ रहा है। अरे ये तो मुझे गांव के रास्ते पे छेड़ते थे, ये यहाँ भी आ गए। कौन है ये? अरे गांव के आवारा लड़के हैं। आप कुछ करते क्यों नहीं इनका? अरे निशा जी, मैं ठहरा हिंदी का अध्यापक, अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरी वापसी की आशा करना व्यर्थ है। अरे महोदय, आप तो शारीरिक शिक्षा के अध्यापक हैं, और शरीर से भी हृष्ट पुष्ट और बलशाली हैं। आप जाइए इन दंड बालकों को उपचार करके आइए। ओ हिंदी, मैं शारीरिक शिक्षा का अध्यापक हूँ, कोई पहलवान थोड़ी हूँ। हो गई टाइटाइफिस। अरे चलो मान लिया मैं इनसे लड़ भी पड़ू, पर मैं चार में से दो ही को तो संभाल सकूं। एक को तो हम दोनों भी संभाल लेंगे। अरे ये चौथा तो मुझे मार ही डालेगा। आई, देखा, एक तो सिमल नहीं रहा इस पे, मुझे चारों ते भिड़ा दे। अपनी लड़ाई अपने आप लड़ो, मैं तो जा रहा हूँ। देखा कितना बड़ा डरपोक निकला ये, डींगे तो इतनी बड़ी बड़ी हाँकता है, आया बड़ा पीटीआई कहीं का। चलो मैं देखती हूँ। अरे निशा जी, वह देख वह है। क्या बात है, आज तो डबल डबल। तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है क्या? रास्ते में आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ते हो, बदतमीज। तो क्या मैडम, इस काम को तुम्हारे घर जाके करें? अरे मुझे लगा मैडम यही चाहवे। ए बंधुवर, यह आप बिल्कुल अनुचित कर रहे हैं, हम आपकी शिकायत उच्च स्तर पर करेंगे। चुप रह चिपकू मास्टर, आया चल के। बदतमीज, तुम लोगों को बोलने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मैं देख रहा हूँ इस मैडम को। करो 100 रुपए दो पहले। 100 रुपए कहीं के तू? लाला जी मेरा कच्चा पट रहा है, मैं कच्चा जाऊं। अरे तू रहने दे कच्चा, तो मेरा पैर लिए जा, सिठानी दे देगी कई पड़े ऊपर।
मैंने दो दिन से वही कच्चा पैर रखा, खुजली हो रही है, बदबू इतनी बुरी आ रही है, तुम नहाते नहाते के? इस बात का जिक्र ना करे। ले, ये 100 रुपए है, 50 रुपए का कच्चा आ जा और 50 रुपए उल्टे दिए ले मुझे। और सुन, हाँ लाला जी, इनके भी तो गोल गप्पे खाऊगा और वह भूडी सुंडी से किताब पढ़ेगा ले आके। चल लाला जी, एक काम और कर दियो, यू कमीज जो ना मेरे नाप की इसे और दे दियो मुझे। ओमगा बुरसेट का नाम ना ले दिए, या तो मेरे दुश्मन की बुरसेट है, इसे देख कर तो सारी दुश्मनी याद आ जाए मेरे। हाँ, और कहीं मुझे मिल गया मैं के छोटू से। पापा नमस्ते। अरे मेरा बेटा आजा, नमस्ते। और हुकम सिंह जी, आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है? अरे पापा, आप अंकल की तबीयत पानी के बारे में पूछ रहे हो? आपने इनका जोश देखा है? आज रास्ते में 3-3 बदमाशों को इन्होंने लातों घूसों से ढेर कर दिया। वा, वा, वा। और वो बदमाश सर पर पैर रख कर भाग गए। वाह वाह वाह, हुकम सिंह जी, आप हमें किराया तो टाइम पे दे दोगे, हमें तो कुछ नहीं कहोगे? नहीं नहीं अंकल जी, आपको क्यों कहूँगा अंकल? अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ आराम कर लेता हूँ। अंकल, अंकल गर्मा गर्म चाय। ला दे। तुम? हैं मैं? हाँ। मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैंने पूछा तुम यहाँ कर क्या रहे हो? मुझे तो बुढ़ा लेके आया जो यहाँ रहता है। तमीज से बात करो, अंकल है वो मेरे, नाम है हुकुम सिंह। हुकुम इक्का दुक्का बेगम होगा, मुझे क्या मतलब, मुझे तो रात को लेके आया। अब चलनी सा से माफी मांगिए, बता आप तेरे तक कैसे माफी मांगनी है। चलो वो सब छोड़ो, ये बताओ अंकल है कहाँ? मेरे तो कह के गया, टहलने जा रहा हूँ। आने दो अंकल को, बताती हूँ तुम्हें यहाँ लेकर कैसे आए। अब क्या होगा? अंकल, अंकल आप तो टहलने गए थे। तो टहलने गए थे, आ गए टहल के। वो आपके कमरे में क्या कर रहा है? वो कौन क्या कर रहा है मेरे कमरे में? वही जितेंद्र। जितेंद्र? अच्छा पीटीआई जितेंद्र। हाँ वही। अरे अरे, कल जब मैंने तुम्हारी बातें सुनी तो मैं रात भर सोचता रहा और मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मेरे से रहा नहीं गया और मैं रात को ही चला गया और उठा के लाया उसको कि माफी मांगने से। फिर यहाँ आया तो रात होगी थी, तुम सो गई थी, मैंने उसे ऊपर घेर लिया, यहाँ पड़ा रहे और सुबह माफी मांग के जाना। वो तुमसे माफी नहीं मांग के गया क्या? वो चला गया क्या? चला गया। अरे मैंने तो उसे माफी मांगने को बोला था। मैंने आपसे कहा ना, मुझे नहीं चाहिए उसकी माफी वाफी। अरे नहीं जी, फिर भी दिलवा देंगे। समझती नहीं है। अरे निशा जी, तुम अब क्या चाहिए? अरे मैंने आपको दूर से आते हुए देखा तो मैंने सोचा आपको लिफ्ट दे देता हूँ। आओ लिफ्ट देता हूँ आपको। ये साइकिल तो देखी हुई लग रही है। अब अरे आप ये कह दो कि साइकिल भी तुम्हारी है? मैडम हिंदुस्तान में हजारों साइकिलें रोज एक जैसी बनती हैं। लिफ्ट लेनी है तो बताओ। जी थैंक यू, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से जाइए। अच्छा एक बात बताओ, आप जन्म से ही ऐसी रुखी रुखी है या इसके लिए कोई खास एक्सरसाइज करती हो, कोई खास तैयारी, कोई दवाई ववाई ली हो कुछ? शट अप, इसके आगे और एक शब्द कहा ना तुम्हें। I'm
कैसे परेशान सी है? क्या बताऊं अंकल, वो जितेंद्र है ना, उसने मुझे परेशान करके रखा है। कल प्रिंसिपल से उसकी शिकायत करूंगी। और प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना, मुझे बता देना, मैं कल स्कूल आ जाऊंगा। कौन सा जितेंद्र है उसको पाड़ दूंगा, ठीक कर दूंगा। ठीक है, वरना कल प्रिंसिपल से क्या करूँ? प्रिंसिपल को क्यों बीच में ला रही है? मैं हूँ ना तेरे और उसके बीच में। अब मैं आ गया हूँ, प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है, तू चिंता मत कर। अच्छा अंकल, आप कर दोगे? बिल्कुल, आओ, मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर। थैंक यू अंकल। ओके ओके, और मैं तेरे साथ हूँ और उसके भी तो साथ हूँ। हाँ, देख लेना, मैं सब ठीक कर दूंगा। बच्चों, आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। इनएक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट इज फोकस्ड नॉट ऑब्जेक्ट। And a passive voice object is focused on subject, so we can easily understand what is active voice and passive voice. उत्तम, आज तुम कबड्डी की प्रैक्टिस पर नहीं गए? मैम, मैंने सुना है हमारे पीटी सर को बहुत चोट आई है। क्या ज्यादा चोट आई है? हाँ मैडम, उनके हाथ पाँव में बहुत चोट आई है। अच्छा, चलो कोई नहीं, बैठ जाओ। चलो आगे, इसका एग्जाम्पल है। क्या बताऊं महेश जी, मुश्किल से ही जान बची है। अरे, आपके लगी हुई चोट तो बड़ी अद्भुत है, अचानक के दर्द का आवाज कराने लगती है। साले कमीने। बिल्कुल, आपको तो बहुत चोट लगी है जितेंद्र जी। पूछो मत तिवारी जी। बंधुवर, अपने लगी चोट की हम सब लोगों के समक्ष संदर्भ सहित व्याख्या प्रस्तुत करें। क्या संदर्भ से व्याख्या करूं महेश जी, मैं कल बाजार जा रहा था और एक दाढ़ी मूछ वाला पहाड़ नुमा आदमी मेरे सामने आ गया और उसने मुझे पटक पटक के मारा है, मेरा आटा सा गूंद दिया। हाय। डॉक्टर ने क्या कहा आपकी चोट के बारे में? अब डॉक्टर के कहेगा जी, कह रहा हाथ पैर टूटे हुए हैं तुम्हारे, तो 7-8 दिन तक पट्टी बंधेगी, जब जान बचेगी फिर देखो क्या होता है। हाँ। मैं आई कमीन मैडम।
अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत का के बताऊं आपको, पता नहीं क्यों एक दाढ़ी वाला बुड्ढा मेरे पीछे पड़ा हुआ है और उसने मेरा ये हाल कर दिया। आप देख ही रही हैं, अब तो मरना ही बाकी है। ये सब छोड़िए, अभी तो आपको आराम करना चाहिए था। अरे मैं आराम कर कैसे सकता हूँ? मैं बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकता, उन्हें बीच में नहीं छोड़ सकता, मुझे उनके खेल की तैयारी करानी है। खैर छोड़िए, आपको इससे क्या और किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है? किसी को फर्क पड़े ना पड़े, पर मुझे तो पड़ता है, ये आप समझो या ना समझो। आ कल शाम के मार के बाद अब वो तुझे कभी परेशान ही नहीं करेगा। अंकल मैंने आपसे क्या कहा और आपने उसे इतना मार मार कर इतना बुरा हाल कर दिया कि मुझसे देखा भी नहीं गया। अरे वो ससुरा सही पिटा है, तेरे बारे में पता नहीं क्या अंटसंट बोल रहा था। क्या कह रहा था वो? कह रहा था मैं निशा से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। क्या वो सचमुच ऐसा कह रहा था? फिर? फिर क्या था, मैंने जो पटक पटक के मारा ये उधर से और वो उधर से। फिर क्या था, मैंने उसके हाथ पैर तोड़ दिए, हड्डी पसली कर दी एक। मैं पूछती हूँ उसने मेरे बारे में क्या कहा? अरे वो कह रहा था मेरे शरीर के टुकड़े कर दो तो एक एक टुकड़े से निशा की आवाज आएगी, मेरे दिल के टुकड़े कर दो तो फिर भी उसमें निशा दिखाई देगी। हैं? अरे ऐसे लफंगे हजार फिरते हैं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। हाँ फर्क तो पड़ना चाहिए ना, फर्क पड़ने के लिए तो सारी बात हो रही है। फर्क पड़ता है बेटे। अरे निशा, स्कूल जा रही है, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। वो बदमाश फिर मिल गया ना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। वैसे तो मैंने उसे किसी लायक छोड़ा ही नहीं है। अंकल आप रहने दो, मुझे घर पर कुछ काम है, मैं स्कूल देर से जाऊंगी। देर से जाएगी? कोई बात नहीं, हम भी देर से चलेंगे। जब तू जाएगी हमें बता देना, हम भी तेरे साथ चल देंगे। मैंने आपसे कहा ना अंकल, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। मेरे साथ नहीं जाना? बड़ा नगरा हो रहा है, मेरे साथ नहीं जाना? कोई बात नहीं, जाना तो मेरे साथ है। अरे निशा तू तो लेट आई है, वैसे तो तू मुझे रोज टोकती है लेट आने के लिए, आज खुद लेट आई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वॉज ऑल्सो हेड ऑफ कमेटी फॉर ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हिमांशु क्या बात, आज आप कबड्डी की प्रैक्टिस पर नहीं गए? नहीं जी, सर ने मना कर दिया था। अच्छा चलो बैठो। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया got own constitution so that our national constitution constitute in 26 January 1950. Our constitution consists of several as directive, principle, fundamental rights etc. मैडम आपको प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया है। लगता है जितेंद्र को अंकल के बारे में पता लग गया है, तभी आज सुबह से नाराज सा था। कहीं मेरी प्रिंसिपल से शिकायत तो नहीं कर दी? ठीक है तुम चलो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। मेरा शक सही था, इसने जरूर मैडम से मेरी शिकायत की है। अरे निशा आओ बैठो। Thank you.
न्यू ईयर स्कूल में एग्जाम्स की कॉपी लगी हुई है बोर्ड की रीचेकिंग के लिए इंग्लिश और हिंदी की। आप जितेंद्र सर के साथ चले जाओ और वो आप चेक करके रजिस्टर लिस्ट बना के ले आओ। बिल्कुल मैम। लेकिन मैडम मेरा तो अगला पीरियड 8वीं क्लास में है, मुझे तो स्पोर्ट्स की तैयारी करानी है और मुझे चोट भी लगी हुई है, सॉरी मैं नहीं जा पाऊंगा। सर पीरियड तो कल भी हो जाएगा, आप मेरी गाड़ी लेके चले जाओ। लेकिन मैडम मैंने फुटबॉल के बच्चों को भी वादा किया हुआ है, वो बहुत निराश होंगे, प्लीज आप किसी और को भेज दें। तिवारी जी। जी मैम। आप निशा मैम के साथ चले जाओ। ठीक है मैडम। और लंच के बाद तुम दोनों निकल जाना, मैं वहाँ के प्रिंसिपल से बात कर लूंगी। क्या बात है, आज बड़ी उदास लग रही है, फिर उस मास्टर ने बदमाशी की क्या? बदमाशी तो नहीं की अंकल, लेकिन मैं गुस्सा उसी की वजह से हूँ। बदमाशी नहीं की फिर भी गुस्सा उसी की वजह से, क्या बात है? अंकल रोज तो वो मेरे पीछे घूमता था, मुझसे मिलने के बहाने ढूंढा करता था, लेकिन आज 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 क्या फिर बदमाशी कर दी? आज मौका मिला साथ चलने का तो लगा बहाने बनाने और प्रिंसिपल मैम की बात भी टाल दी। आया बड़ा पीटी शीटी मास्टर। अब मुझे तेरी बात ही समझ में नहीं आ रही है, वो तेरे से बात करता है तो तेरे को परेशानी होती है, नहीं करता है तो परेशानी होती है, है? अब तू चाहती क्या मुझे बता दे, मैंने तो दिल पे हाथ रख के उसकी हड्डी पसली एक कर दी और तेरा पता ही नहीं चल रहा है तू क्या चाह रही है। लेकिन अंकल। लेकिन अंकल क्या? मैं उसे चाहने लगी हूँ। दोबारा बोल, दोबारा बोल। मैं उसे चाहने लगी हूँ। तो चाहना? चाहती तो हूँ लेकिन वो बात ही तो नहीं करता। अरे कर तो रहा हूँ। अरे अंकल आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं उससे नहीं आपसे प्यार करती हूँ। अरे तो क्या परेशानी है बताना। मुझे तो उससे प्यार है, पता नहीं वो बात करेगा कि नहीं करेगा। अरे कैसे नहीं करेगा, मैं तेरे साथ चलता हूँ, बात करा के छोड़ूंगा, तुम मेरे साथ चलना कल। पक्का आप कराओगे? अरे मैं करा दूंगा। लेकिन अंकल आप कैसे बात कराओगे? और जैसे मैंने पहले हटवाई थी बात, ऐसे मैं बात करा दूंगा, समझ मेरे से बात होगी उससे बात होगी, चिंता मत कर खुश। अंकल आप कितने अच्छे हो। ऐसे तो अंकल मर जाएंगे। बात तो हो ही गई, अब तो अब क्या रह गया बात होने में। तुझे तो नहीं पता है बस। अबे तो यहाँ रहता है वो, हैं? हाँ अंकल। तू ऐसा कर, इधर खड़े हो जाना। कहाँ पे? यहाँ पे। और मैं बात करके आता हूँ। अंकल प्लीज अंदर जाके आराम से बात करना। हैं? ऐसी बात है? ठीक है मैं आराम से ही बात करूँगा। ठीक है अंकल। और ध्यान रखना उसने मेरे से कुछ कही ना फिर तू जानती है। हाँ। और तू इधर खड़ी हो जा बस। और कहाँ घुसा हुआ है, गेट खोल, मैं दरवाजा बंद करके भी इधर से बात करता हूँ। हैं क्या कर रहा तू? अब बताओ लड़के क्या हाल है? ओए तू बोल क्यों नहीं रहा, मैं इधर से कुछ पूछ रहा हूँ जवाब नहीं दे रहा। हाँ जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? ओए मैं ठीक हूँ। ओए तू फिर निशा को तंग कर रहा है, क्या बात है? अजी कैसी बात कर रहा हूँ, मैं कहाँ तंग कर रहा हूँ, मैं तो अब उसकी परछाई से भी दूर रहूँ, मैं तो उसके नजदीक भी नहीं जाता। ओ यही तो परेशानी है, तू नजदीक नहीं जा रहा, नजदीक ले जाना है हमें। अजी मतलब? अब मतलब क्या, वो तुझे चाहने लगी है, तेरे से प्यार करने लगी है, तेरे से बात करना चाह रही है और तू समझ नहीं रहा है। पर जी मैं नहीं कर सकता। और क्यों नहीं कर सकता, मैं उठा के पटक दूंगा तुझे। अजी बस पहले तो आपसे पिटवाती है और फिर अब कह रही है प्यार करती हूँ, तो ऐसे थोड़ी चले। देखो अंकल मेरी एक शर्त है, अब चाहे तुम मुझे मारो पीटो काट डालो पर मेरी शर्त है एक। और तेरी क्या शर्त है बता, क्या शर्त है? देखो अगर वो अपने मुंह से इजहार करेगी तो मैं मान लूंगा, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं मान लूंगा। और ये बात है, ये बात है तो तू बाहर चला जाओ, बाहर खड़ी हुई है जब तेरे से वो इजहार करेगी। अच्छा वो बाहर खड़ी हुई है? और बाहर खड़ी है, मैं लेके आया हूँ, तू समझ नहीं रहा। अच्छा अंकल तो मैं जाता हूँ, हैं? लेकिन देख लेना वो इजहार नहीं करेगी तो मैं मानूंगा नहीं। अरे तू क्या बात कर रहा है मेरे से, जा तू बाहर देख, इजहार करेगी वो तेरे से। हाँ 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 मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, आप यहीं रुको, आप मत जाना। अब मैं इधर ही रुक रहा हूँ, ओए तू जा इजहार कर ले। ठीक है जी। हैं
जिसकी ने सारा ड्रामा करा भाई पता ना कहाँ चली गई। अरे यार निशा, अरे भागलो ना सो लिया। कुछ परेशानी है के? हाँ है। तो दूर करो आपने को जाके। मेरी परेशानी तो तुम ही ठीक कर सकते हो। मैं दूर कर सकूं? मैं कैसे दूर कर सकूं? डॉक्टर के जा कहीं दिखा अपनी परेशानी को। डॉक्टर मेरी परेशानी का हल नहीं निकाल सकता, तुम ही निकाल सकते हो। मैं कैसे काट सकूं? मैं कोई हकीम हूँ, वैद हूँ, लुकमान हूँ, डॉक्टर हूँ, के हूँ? अरे तुम ही तो हो मेरे सब कुछ। अरे या तो अजीब परेशानी है भाई। आओ ना, देखो ना कितना अच्छा मौसम है, आओ यहाँ बैठो मेरे साथ। अरे ओ सुन, मौसम की चाची सुन, मेरी बात तो सुन। अरे देखो ना कितनी अच्छी हवा चल रही है। ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगा। निशा जी, मैं आपको अपनी अर्धांगनी हर हाल में बना के रहूंगा, हर हाल में बना के रहूंगा। मैं और प्रयत्न करूंगा, मैं और प्रयास करूंगा,
मैं अपनी माँ को आपकी सास बना के रहूंगा और मैं आपकी प्रेम की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होकर रहूंगा। माँ। अरे वाह, आज तो मेरी बेटी बड़ी खुश नजर आ रही है, क्या बात ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है माँ, भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। क्या बात है, कुछ मिल गया? अरे अंकल आप भी। तेरे क्या देख रहा है, देख रहा है जब जब? अच्छा मैं पहले से ही जाने हाँ कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। सेठानी तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ बता, के बात है? ये जो आदमी है ना हुकम सिंह, इसे तो तुम घर से निकाल दो। क्या बकरा है? यू एक नंबर का कमीना और बेशरम आदमी है। बकवास मत कर, पूरे दिन उल्टी सीधी किताब पढ़े फिर भले आदमी पे शक करे। यू बात मैंने दीदी से बता दी और थार तक बता दी, पर कमाल है कोई मेरा विश्वास ही नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा ठीक है, चल सफाई कर। चलो आज अंकल जी को आज के बारे में बताकर आती हूँ। तुम हुकुम सिंह हो? कभी जितेंद्र कभी हुकुम सिंह, स्कूल में जितेंद्र यहाँ हुकुम सिंह और यहाँ हुकुम सिंह बनके हाथ पकड़ ले लाली मेरा, लाली चाय बना ला, आज मैंने उसके हाथ तोड़ दिए, आज मैंने उसके पैर तोड़ दिए, मैं आज आज नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। कभी जितेंद्र कभी कैसे, आज मैंने उसका हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे परेशान किया तुमने मुझे। मेरी बात तो सुन। अरे ऐसे मैंने नहीं सुनी कोई बात, मुझे नहीं सुनी, तुमने मुझे इतना परेशान किया, तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी? मैं सब बात बता, मुझे नहीं सुनना कुछ भी। अरे यार मैं बता रहा हूँ, बात तो सुन। लाला जी मैं पहले ही कह रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पर तुमने मेरी बात मानी ना, अब जाके देखो आगे दिखे। अब क्या करें? अब मैं क्या बताऊं, क्या 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 करें? अरे देख तो सही ऊपर क्या हो रहा। लाला जी घर थारा, तुम देखो जाके क्या हो रहा। अरे तू भी तो मारा ही है, और तू चल, तू आगे चल के देख पहले क्या हो रहा ऊपर, हो रहा कुछ? मैं पापा को रोकती हूँ पहले। हाँ अरे देखता क्यों ना, देख जाके ऊपर। और ले ठीक है भाई, यहाँ कौन सा बम फट रहा, ले मैं चलूँ आगे। हाँ चल चल। ऊपर के चिल्लम चिल्ला सी हो रही। वो पापा अंकल को बुखार हो रहा था। बुखार हो रहा था, और तो दवाई पानी बहुत जरूरी है। थोड़ा तो क्या पर सा डॉक्टर को बुला के ला, और दवाई दुआ मांगे। हाँ वो डॉक्टर ऐसा आज में गल भैंसों का बुखार उतार दे, एक इंजेक्शन में अभी आया। ना ना पापा, मैंने अंकल को दवाई दे दी है, वो आराम कर रहे हैं। अच्छा फिर एक काम कर, तू गरम गरम एक कप चाय और पिला दे उसे। अब होड़ा तू भी मेरे पीछे पीछे बंदा फिर जा, चल दुकान पे चल। चल दुकान पे चल, तू मेरे पीछे पीछे ही फिर जा, मेरे पीछे पीछे ही आ जा। अब तो हुकुम सिंह जी को चाय भी पिलानी पड़ेगी। अच्छा तो ये बात थी। हाँ ये थी पूरी कहानी कि तेरा पापा मेरे से क्यों चिढ़े। तो तुम्हें मेरे पापा ही मिले थे ये सब करने के लिए? अरे यार मुझे थोड़ी पता था ये तेरा बाप है। तो अब क्या होगा? देखो जो भगवान चाहोगा पता नहीं क्या होगा। देखो ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, कुछ तो करो। कह रही हूँ एक महीना होगा छोरे को घर से गए को, उसकी कुछ खैर खबर भी ले लो। हूँ करते रहोगे, मेरी बात भी सुन रहे हो? कुछ नहीं हुआ तेरे लुंडे को, उसे जिम्मेदार भी बन जान दे, इतना लाड नहीं दिखाया करते, फिर तेरी तो उससे दिन में दो बार तो बात हो।
फोन पे तो बात हो, वैसे तो मेरे से दूर है। पहली बार घर से बाहर गया, पता न कैसे कर रहा है वहाँ जाके। चल देखूं मैं, एक आध दिन में मौका मिल गया तो होकर आवेंगे। लाली तुझे एक बात बताऊं? हाँ बोलो। ये जो हुकम सिंह है ना, यू ठरकिया ठरकी, मन्ने एक जासूसी किताब पढ़ी, बुढ़ों का जाल जवानी हलाल। उसमें लिखा था कि ये बुढ़े जवानी में तो कुछ करते ना, और बुढ़ापे में फिर आए मुंह मारते। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? अरे तुम ये अपने उपन्यास की बातों को छोड़ो और जाकर उन्हें एक गिलास दूध देकर आओ। किनको? उनको ही, हुकुम सिंह जी को। तुम्हें पता नहीं उनकी तबीयत खराब है? जाओ जल्दी उनको एक गिलास दूध देकर आओ। एक गिलास दूध दिया? अरे मेरा बस चला तो साले को जहर न दे दूं। अब अंकल से हुकुम सिंह बन गया, तेरा ससुराल जहर। मेरे प्यारे निशा आहा, मेरे प्यारे निशा आहा, मेरे प्यारे निशा आहा, प्यारे निशा आहा, आहा मेरे प्यारे निशा आहा। अरे तो गधा देख रहा दिखे। अबे तू निशा को ऐसे कैसे बोल सकता है? कौन कैसे बोल सकता है तुझसे, मतलब आया करमचंद जासूस। मैं सब जानू, तेरी नीयत ठीक नहीं है। तो तू क्या नीयत जानता है? तू निशा पे बुरी नजर रखता है ठरकी बुड्ढे। क्या बदतमीजी है ये, समझता नहीं अभी। चले हुकुम, पहले तो अंकल जी, फिर हुकुम सिंह बन गया, अब हुकुम बन गया। घोड़ा, तन्ने इस घर का नमक, दाल, चावल, रोटी सब खाया है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लाला जी। लाला जी, लाला जी, एक बात बताऊं, यू जो आदमी है ना, यू बहुत कमीन आदमी है। थारी जवान लड़की पे बुरी नजर रख रहा, इसकी शक्ल पे मैं जाओ यू ठहर किया, सोच लो जल्दी ना, बाद में पछताना पड़ेगा। लाला जी मेरी बात मान लो ना, बाद में पछताना पड़ेगा। अरे की बकवाद कर रहा तू, जा तेल की शीशी उठा ला, मेरे सिर में भी मालिश कर और अपने सिर में भी कर लिए। भगवान ने ये 5 ग्राम का दिमाग दे रखा था जाए, इसमें पता नहीं किसी किसी किताब पढ़ कर जासूस बना फिरे जेम्स ब्रांड। जा तेल की शीशी उठा ला। मैं नू कर रहा हूँ लाला जी, सिस्टम खराब हो रहा है। मगा चले जा, कदे तेरी CID बना दूं और सिठानी दे कह दिया गरम गरम चाय ले आओगी मेरे लिए। निशा जी, एक वृद्ध पुरुष के साथ? अरे निशा जी, अरे निशा जी, क्या हुआ त्रिवेदी जी? आप उस वृद्ध पुरुष के साथ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा आप पर वो। राम 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 राम। आप नहीं समझोगे त्रिवेदी जी। मैं नहीं समझूंगा उस वृद्ध पुरुष में ऐसा क्या है जो आप मुझे और जितेंद्र जी को धोखा दे रही हो। मेरा ना सही, जितेंद्र जी का तो ख्याल करो, उन्हें धोखा मत दो। आप उनकी चिंता मत करो, जो उनमें है वो जितेंद्र में कहा, उनमें तो बुढ़ापे में भी जवानों वाली बात है। अरे छोड़ो, आज घर से फिर मेरी माता जी का फोन आया था। आप रहने दो, ये सब छोड़ो, आप नहीं समझोगे। मैं नहीं समझूंगा। क्या हो गया? हाँ महेश जी, ठीक ठाक। अरे बंधु, हाल चाल ठीक है?
मैं तो सह कुशल हूँ मगर आपकी प्रेमिका के निश्चय ही कदम बहक गए हैं। ऐसी के बात होगी? आपकी प्रेमिका निशा जी के कदम बहक गए हैं। वो निश्चय ही आप उचित और उस वृद्ध अनुचित में फर्क भूल गई हैं। आपके साथ धोखा हो रहा, धोखा। अच्छा, अरे वो उनका किराएदार है हुकुम सिंह। आप उसका नाम भी जानते हैं? हाँ हाँ, बताओ क्या बात है। अरे मैंने उन दोनों को प्रेम प्रसंग में देखा है एक साथ। अच्छा ये बात है। अरे आप इन बातों को समझोगे नहीं? मैं नहीं समझूंगा, फिर से मैं नहीं समझूंगा, मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। मैंने मुंशी प्रेमचंद की प्रेम श्रिया पढ़ी है, मैंने जयशंकर प्रसाद की कामायनी पढ़ी है, मैंने जयसी की पद्मावत पढ़ी है और मैं नहीं समझूंगा। मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। निशा तो वाकई में बदल गई है। घर के बाहर कुत्ते रो रहे थे, आई? घर के अंदर सन्नाटा था। नौकर जो रंजीत का राज जानता था, वो अपने कमरे में गहरी नींद सोया हुआ था। तभी दबे पांव रंजीत नौकर के कमरे में आया और उसका गला काट दिया। हर बकवास, क्या लिखते हैं लोग, दूसरा पढ़ेंगे। हाँ इसमें ठीक। तभी कोमल ने केशव को आई लव यू कहा। हाँ ये ठीक है। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, देखता हूं। सुनो ना, अपने पापा से कहो ना, मेरे पापा से आकर हमारी शादी की बात करें। अरे की बात कर रही है तू? मेरे पिताजी लव मैरिज फव मैरिज कभी नहीं होने देंगे। तो मेरे पिताजी कौन सा होने देंगे? अब तो एक ही रास्ता है। क्या? अब तुझे भगा के ले जाऊं? ना बाबा ना, मैं भागने भागने वाली नहीं हूँ। अरे पापा आ गए। हैं? लाला जी। देख ले भाग गया नहीं। और ये जासूसी कर रहा, रोटी बना ले, चाय बना ले, पराओ के बना ले, एक बात नहीं माननी मेरी। चुप कर ए छोरी, तुझे शर्म ना आई यूं काम करते हुए? और ये 5 ग्राम का दिमाग है, तेल लगा ले दिमाग आ जाएगा। बावला हूँ मैं तो, पागल हूँ मैं तो कुत्तों को काट रहा हूँ, मैं तो बावला हूँ, पागल हूँ। और जो मेरी बात मान लेते, लिकट गई ना लौंडी हाथ से, अब ले ली बाबा जी घंटा। चुप कर, ओ मगर दूसरे मार दिया और तो गाल सुझा दूंगा, समझाऊं मैं, दुनियादारी सिखाऊंगा मुझे दुनियादारी। और चल तले उसे भी देखूंगा मैं, चलो। अरे चिपक जा, चिपक क्यों नहीं रही आज? ये चिपक क्यों नहीं रही, क्या हो गया इसमें? अरे भाई क्या हो रहा है? यो की बात होगी अंकल जी, बेशर्मी की भी हद हो अंकली जी। और तुझे बता दी, मेरा मकान इसी वक्त खाली कर दे, सब जानू मैं। अजी मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगा, मुझे एक दो दिन का टाइम तो दो। मुझे नहीं पता कहाँ जाएगा, मेरा मकान भी खाली कर दे, सब जानू मैं। पापा इस समय वो कहाँ जाएंगे? तू चुप कर,
बदतमीज कहीं की घड़ा मत ना बोले। हाँ जी। और तुझे बता दिया मैंने कल को मुझे मेरा मकान खाली चाहिए और नहीं समझाने है लाला लक्ष्मी चंद कैसा है। चलो भाई चलो भाई चलो। हे भगवान ये कैसे हो गया, हमारी लाली ऐसी तो न थी, कीड़े पड़े उस बुड्ढे को। अरे भगवान तू चिंता ना करे, मैं इस कलेश को भी काट दूंगा। मैं लाला मैं इंदर को फोन मिला रहा हूँ अभी। जल्दी करो जी। हाँ हेलो लाला मैं इंदर जी, मैं लाला लक्ष्मी चंद बोल रहा हूँ भाई। हाँ लाला जी क्या हाल चाल है इस वक्त, फोन सब ठीक तो है? अरे हाँ भाई वैसे तो सब ठीक है, अब दुकानदारी में फोन करने का टाइम तो मिलता नहीं। और पर मैं एक बात कहूँ, और तू आ जा और छोरी को देख ले और फिर भी आखिरी बात पक्की कर लेंगे। अरे तेने भली बात कही भाई, अरे कम से कम एक बार इसे छोरे को तो देख ले। और मैं अंदर भाई अब मगर मैं सब जानू। अरे वो तो ठीक है भाई, फिर भी मारा छोरा गोरा है काला है लंबा है छोटा है यू तो देख ले। और मैं तेरे खानदान को जानू और तेरे खानदान के बारे में तो मुझे सब कुछ पता है, और जब मैंने तुझे देख लिया तो समझ में मैंने तेरा लड़का भी देख लिया। आ जा। चल भाई जब तू कह ही रहा है कल मैं आ ही रहा वहाँ तो तेरे धोरेलो भी आ जाऊंगा। अच्छा लाला जी राम राम। मुझे भी ले चलियो गैल। तू दिखे यही हिल्ला कर ले ना, मैं छोरे के दौरे जाऊंगी, हिल्ले में लगाए रखो हर वक्त। कितने दिन हो गए मुझे बालक का मुंह देखे, मैं तो जाऊंगी। बस ठीक है अपने मन की करिए, पर मैं ही जाऊंगा कल तो। अरे छुट क्यों नहीं रही, मैं स्कूल कैसे जाऊंगा, तो छुट भी नहीं रही है। साला गलती से फेविकोल लग गया इसमें तो। छुट जा, अरे छुट जा यार मैं तो मर गया। चलो जल्दी चलो। कहाँ? नीचे सबके सामने अपनी हकीकत सामने रख दो। क्यों? अरे पापा थोड़ा सा गुस्सा होंगे उसके बाद में मान जाएंगे। अरे लेकिन मेरी बात तो सुन। अरे तुम्हें इस डबल रोल से तो मुक्ति मिलेगी, चलो ना। अरे सुन तो सही। फोन कर दिया देख ले कल को आ लेगा वो। हे भगवान हमारी छोरी को तो पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अरे कुछ ना हो यार ये तो उस बुड्ढे का असर है, सब जानू मैं। जब तो मेरी एक बार भी ना माननी, मैं इतना बड़ा जासूस हूँ पता है, जो मैं थारे यहाँ नौकरी करता ना बहुत बड़ा जासूस होता मैं। हैं। मम्मी पापा आप लोगों के मन में हमारे लिए गुस्सा है नफरत है ना, आज मैं आप लोगों को ऐसी चीज दिखाऊंगी आप लोग देख कर उछल पड़ोगे। पापा आपके लिए सरप्राइज है। 1 2 3 यू क्या कर रही है निशा, कुछ तो शर्म कर ले, इसे लाला जी को यू सरप्राइज देगी तू। अरे निर्लज बेशरम आज तो तूने हद ही कर दी, तू हमें ये दिखाने लाई थी एक छोरी एक बुड्ढे को कैसे किस करे है। और मगर यही सरप्राइज दिखाने के लिए लाई थी का या? इसे ही देख कर उछल पड़ते के हम बेशरम और डूब के मर जा कहीं। पापा मेरी बात तो सुनो। और सब जानू मैं, भीतर चली जा और लाला मुजनू की यही खबर खोद दूंगा मैं और इसे भीतर ले जाओ। पापा मेरी एक बार बात तो सुनो, मम्मी एक बार बात तो सुनो, मम्मी सुनो ना। और सुन और तू भी सुन, जान तो मार दूंगा मैं और नहीं तो निकल जाए यहाँ से, भाग यहाँ से। अरे क्या हो गया भाई? अरे क्या हो गया यार पता नहीं, मैंने जल्दबाजी में क्या फेविकोल चिपका लिया, फेविक्विक चिपका लिया, अब ये छुट्टी नहीं रही इतना तो। तेरा तो और भी बढ़िया हो गया। पर यार तुम, तुझे मजाक सूझ रही है, मेरे परेशानी हो रही है। कितनी परेशानी हो रही तो चल डॉक्टर के पास ले चलूं, छुटवा के। यार कोई डॉक्टर देख जो इसे छुड़ा दे, इसे मैं डॉक्टर हटवा के लाऊं, चल तेरी। हाँ चल यार, हाँ चला। महेंद्र जी आपको वो आने में रास्ते में तो कोई परेशानी नहीं हुई? अरे नहीं लक्ष्मी चंद जी, सवेरे तड़की चल दिया था, सुचा थारे से भी मिल लूंगा और अपने लुंडे से मिल लूंगा। थारा लड़का भी यही रह के? हाँ हाँ यही है वो, यही तो पढ़ा है वो, तो पीटीआई है। कहाँ कौन से स्कूल में? यही इंटर कॉलेज में है। हाँ बताओ, और हमारी निशा भी तो इंटर कॉलेज में ही पढ़ा है। देखो तीन बच्चों के ब्याह की हम बात करनी चाह रहे, अभी तो पहले से ही एक जगह है।
ये तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, निशा भी उसी में ही है? हाँ जी। अरे यह तो बहुत बढ़िया बात है, तो चलो संजोग की बात है भाई, इस बारे में तो फिर बात कर लेंगे, पहले मैं अपने छोरे से मिली हूँ। अजी मैं यही ना बुलवाऊंगा। अरे भोला आया लाला जी। अरे तू इंटर कॉलेज में जाके इनके लड़के को बुला के लाइए। क्या नाम बताया था जी? जितेंद्र नहीं है के अपना? अरे जितेंद्र है, पीटीआई, उन्हें बुला के लाइए। हम भी तो देखते हैं हमारा दिमाग कैसा है। अच्छा जी, अभी लाया। अरे निशा। अरे वाह, तुम्हारी तो दाढ़ी उतर गई। हाँ, इसने तो कर रखा था सारा कंफ्यूजन, उतर गई। चलो कंफ्यूजन दूर हुआ। चलो ना, मैं तुम्हें अपने पापा से मिलवाती हूँ। पापा के धोरे ठीक रहेगा और क्या? ठीक रहेगा, चलो आओ। अरे यार मुझे डर सा लग रहा, तू फिर और कुछ देख ले। आओ आओ। हाँ हाँ चल रहा हूँ ना, आगे चल तू। हैं पिताजी भागो। अरे ये कहाँ गया? क्या हुआ? अरे नीचे कोई बैठा है। अरे वो तो महेंद्र अंकल जी हैं। तू जाना है इन्हें? और क्या, मेरे पापा मेरे रिश्ते की बात इन्हीं के घर तो करने गए थे। तुम जानते हो इन्हें? हाँ जानू, बताऊं? बताओ। वो मेरे पिताजी हैं। ओहो, अब समझ में आया, उस दिन मेरे पापा मेरे रिश्ते की बात तुम्हारे घर करने गए थे। चलो इसमें तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है, चलो नीचे चलो। ना 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 ना, मैं अभी इनके सामने नहीं जा सकता। अगर इन्हें पता चल गया थारे घर में सारा झमेला मेरी वजह से हो रहा है, ये तो मुझे तोप से उड़ा देंगे। अब क्या होगा? देख इन्हें चले जान दे, जब ये चले जाएंगे ना तो मैं खुद आकर तेरे मम्मी पापा को बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। ठीक है, अब तू जा। और बताओ घर में कौन कौन है? घर में एक तो मैं हूँ जी, और एक अच्छी जानी पुष्पा है, एक मारी लड़की निशा है, भोला है, और एक बस बस जी कुछ और बात करो, ठीक ना है। अरे ये तो घर के आदमी ही ना बता दे। ना जी ना, कुछ और बात करो जी। अरे के बात है, कुछ हो गया के? अजी क्या बता मैं, थारे ते क्या छुपाना, एक किराएदार रख लिया था, वो हमारे मकान पे ही कब्जा करना चाहे। अजी किराएदार तो बदतमीज ही हो। अजी बदतमीज, पहले तो किराया भी दे देता, अब किराया मांगू तो मैं डब को आग काट दे। और जो वहाँ लोंडी घर में कदी नहीं गया देखे, कदी नहीं गया देखे, मारा तो जीना आराम कर दिया उसने। अरे यू तो वाकई में बहुत बदतमीज है। कहाँ है वो, कहाँ रहे यू? अजी ऊपर रह वे। यही है क्या यू? हाँ यही होगा। अरे मैं देखूंगा इसे, क्या नाम है इसका? हुकम सिंह बतावे। ओ हुकम सिंह, नीचे को पढ़िए, मैं देखूंगा तुझे, तेरे जैसे तो मेरठ में बहुत सुधार रखे। नीचे को आइए। ये तो मेरे पिताजी की आवाज है, क्या होगा बे भगवान। अरे सुना नहीं, नीचे को आजा और देख ले, पांच मिनट में अगर तेने यू मकान खाली ना करा ना, फिर देखिए मैं ऊपर के तू आवे नीचे, फिर कूद जो पर दे, तू थम जा मैं ऊपर ही आ रहा। हे भगवान, ये तो ऊपर आ गए ना तो मुझे ऊपर तो फेंक देंगे। मैं हुकम सिंह रहेगा ना पीटीआई। चल बेटा भाग ले, आ रहा हूं। तावली जी आजा नीचे। अरे कहाँ जा उरे आ। अरे यू ही है के वो? हाँ और यू ही है जी, सब जानू मैं। अच्छा अरे तू तो बहुत निकम्मा आदमी भाई, तू ऐसे भले आदमी को परेशान कर रहा। अरे हुकम सिंह अपनी उम्र का तो ख्याल कर लेता तू, तेरी उम्र में तो लोग बाग काशी हरिद्वार जावे, तू भले आदमी को परेशान करने लग रहा, तुझे शर्म नहीं आती? अरे कैसे माँ बाप की औलाद है तू, कैसे? अब छोटो भी जब मैं जा ही रहा हूँ। जल्दी जल्दी कर जा, तुझे पता छोटू नहीं मैं। ठीक है मैं जा तो रहा हूँ। ऐसे कैसे जाएगा, पहले ये बता इनका छोरा कहाँ जितेंद्र? के मतलब? मतलब ये दो दिन से जितेंद्र सर को किसी ने नहीं देखा है। मुझे क्या पता जितेंद्र वितेंद्र कहाँ है? समस्त मान्यवरों को मेरा सत सत प्रणाम। महोदय और महोदया, आप इसके आयु पे न जाइए,
ये बहुत ही खतरनाक बलशाली पुरुष है। इसने मेरे समक्ष कई लोगों को एक साथ धराशायी कर दिया था। मुझे तो डर है कहीं इसने जितेंद्र बंधु की हत्या ना कर दी। क्या बकरा है तू? महोदय आप इसे कदापि न जाने दें। इससे पूछताछ करें और पुलिस विभाग को सूचित करें। तुम लोग मुझे जाने दो, आपका लड़का एक दो घंटे में आ जाएगा। इसकी क्या गारंटी है कि तेरे जाने के बाद इनका छोरा जितेंद्र आ जाएगा? बता कमीने कहाँ है मेरा जितेंद्र? बता कहाँ है जितेंद्र? तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं अभी पुलिस को फोन करके बताऊँ, वो आप लट बजा के अपने आप पूछ लेगी कहाँ है और समझाऊँ मैं। पापा आप तो हद ही हो गई। आपको पता है अंकल आपका जितेंद्र कहाँ है? कहाँ है? ये है। तू जितेंद्र बंधु आप दोनों चरित्रों का अभिनय एक साथ, वाह अति उत्तम अति उत्तम। घर चल, तुझे तो मैं घर देखूंगा। पैतीस सौ नहीं 1100 देंगे। कमीज कम कमीज कमीज ना पूरा सूट देंगे। अरे धोती 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 कुर्ता तो उसके पिताजी को देवेंगे। अरे तू तो समझी नहीं, अरे ये तो वही लड़का है वही। हाँ वही तो है, मैं भी तो नूही कह रही हूँ। यार यू बात तो मेरी समझ में भी नहीं आई। यहाँ तो मेरी भी जासूसी फेल है, पर हाँ मैं इसमें से भी कुछ काट दूंगा, इसमें से भी काट दूंगा मैं कुछ। अरे मैं अंदर छोड़, मैंने तेरे लड़के को और अपने जमाई को माफ कर दिया, और भाई तू भी माफ कर दे, बच्चा है गलती भी हो जाए अगर और तो सब जानू मैं। पर वो 3500 वैसे मेरी माता जी का एक फोन आया था, वो मेरी शादी के लिए अति चिंतित है, और वैसे आप ही बताइए आपको शादी के लिए क्या विचार है? अब माफ भी कर दो पिताजी, देखियो इन्होंने भी माफ कर दिया, और मैं थारे कहने थे नौकरी भी कर रहा हूँ, अब तो माफ कर दो। बिल्कुल ना, बिल्कुल ना। अंकल प्लीज, अंकल प्लीज। महोदय कृपया करके आप जितेंद्र बंधु को क्षमा कर दे। भाई साहब माफ भी कर दो अभी से। बेटी जा तेरे कहने पे माफ कर दिया, काम तो तेने ठीक ही कर दिया पीटी मास्टर। क्यों लक्ष्मी चंद? अजी सब जानू मैं।